मनोज नारायण के डायरेक्शन में बनी फिल्म शेरे हिंदुस्तान, जी हाँ, जिसके प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ हैं नीतू ढुंगाना, जी हाँ, नेपाली हीरोइन है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ इस फिल्म में काफी बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म एक देशभक्ति फिल्म है जो काफी शानदार और बेहतरीन है। इस फिल्म के जरिए कहा गया है, देश के दुश्मन सावधान, आ रहा है शेरे हिंदुस्तान। 2019 के होली में इस फिल्म को रिलीज किया गया है और इस फिल्म ने बना दिया है पहले दिन महा रिकॉर्ड। जी हाँ, इस फिल्म ने पहले दिन महा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म होली के मौके पर ही रिलीज हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस फिल्म ने कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग देख सकते हो पोस्ट जिसमें आनंद मंदिर थिएटर वाराणसी ने बताया है, शेर की दहाड़ बनारस में आनंद मंदिर में अब तक के समस्त रिकॉर्ड टूटे। आनंद मंदिर में एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म बनी है शेरे हिंदुस्तान। आज का टोटल कलेक्शन 1,03,000। तो दोस्तों, हैरानी वाली बात है, एक थिएटर से लगभग 1 लाख की कमाई फिल्म शेरे हिंदुस्तान की हुई है। तो लगभग एक दिन का, पहले दिन का कलेक्शन इस फिल्म का लगभग रहा होगा 30 से 35 लाख। जी हाँ, 30 से 35 लाख इस फिल्म की पहले दिन की कमाई रही होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इस फिल्म में नीतू ढुंगाना का रोल भी काफी ज्यादा है। दरअसल सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हमेशा ही चुनिंदा फिल्मों में ही काम करते हैं, तो ये फिल्म भी काफी खास है। और इस फिल्म को कितने बड़े लेवल पर शूट किया गया ये तो आपको थिएटर में देखकर पता ही चल जाएगा। इस फिल्म के गाने बहुत ही शानदार है, जिसे बहुत बेहतरीन लोकेशन पर शूट किया गया है। तो एक दिन की कमाई सिंगल थिएटर से लगभग 1,03,000 रही, जो बहुत बड़ी रकम है। लगभग पहले दिन इस फिल्म की कमाई 30 से 35 लाख रुपए के बीच रही होगी। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देखिए और कॉमेंट कर अपना सुझाव हमें जरूर दे के आप लोगों को फिल्म कितनी पसंद आई।